दोस्तों, जब भक्त की भक्ति अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो स्वयं भगवान को चलकर अपने भक्त से मिलने आना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र माता सबरी से मिलने माता सबरी के आश्रम आए हुए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सबरी कौन थी, सबरी का जन्म कब हुआ था, सबरी का शुरुआती जीवन कैसा था, सबरी की गुरु भक्ति कैसी थी, और साथ ही आप जानेंगे सबरी और तालाब के लाल पानी के किस्से को। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण थी पर दिल से बहुत कोमल थी। सबरी का जन्म फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। जब सबरी बड़ी हो गई तो उसका विवाह उसके पिता ने निश्चित कर दिया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले वे निर्दोष जानवरों को बलि देते थे, और इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता ने उसके विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आ गए। तब सबरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं? तब सबरी के पिता ने कहा, बेटी, हमारे यहाँ प्रथा है, तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। और ये कहकर सबरी के पिता वहाँ से चले गए। इस प्रथा के बारे में सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि वो कैसे इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। और तब उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना घर छोड़कर चली जाऊं, इस तरह सभी जानवरों की जान भी बच जाएंगे। और इतना सोचते ही वो भोर होने से पूर्व ही घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। अकेली सबरी कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में गई, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम से धुतकार कर निकाल दिया। और फिर एक दिन सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गई और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार भी किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। और इसी तरह कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुप्रायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलना चाहिए, इसलिए स्वयं एक दिन श्री रामचंद्र तुमसे मिलने यहाँ आश्रम आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और साथ ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर दिए। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरु की बातों पर यकीन था, इसलिए वह हर रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सबरी और तालाब के लाल पानी की कहानी को। एक दिन सबरी आश्रम के पास एक तालाब में जल लेने के लिए गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत सबरी को बुरा भाला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल में नहीं बदल पाए। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन फिर भी वो रक्त जल में नहीं बदल पाया। इसी तरह कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। और फिर राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रक्त
जल में तब्दील नहीं हुआ। ऋषि उन्हें जो जो करने के लिए बोले राम वो सब कुछ किए, लेकिन इसके बावजूद भी रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, यह जल उसी शुद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं बल्कि मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है और राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब शबरी के पैरों से उड़ते हुए कुछ धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने वो सब कुछ किया, फिर भी ये रक्त जल में नहीं बदला, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों के धूल से फिर से जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाए रखती है, बागों से चकचक कर सबसे मीठे बैर लाए रखती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बैर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ आए उनके भाई लक्ष्मण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, भ्राता, ये बैर जूठे हैं। तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बैर जूठे नहीं हैं बल्कि सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रेम छिपा है। और ये कहकर भगवान राम शबरी माता का जूठे बैर को बड़े ही आनंदित भाव से खाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को भी श्री रामचंद्र के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।